Мы из вокзала бежим. Паровозы снимали. А что там, опоздали? Это Чиндуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Раджеш. Здравствуйте. Игорь Валерьевич. А. प्लोख, प्लोख, प्लोख। गलत बात है, गलत बात है। ये बेचारे हमसे बहुत पहले यहाँ आ चुके हैं। यहाँ पे दरअसल समय को बहुत अलग तरीके से देखा जाता है। देखा आपने समय की महत्वता। यह जी पुराना वाराणसी। ये भी ऐतिहासिक मकान है। здравствуйте, Илья, Юрий, Раджеш, здравствуй, Раджеш, Юрий, проходи. Вы здесь в Воронеже с какой целью? Он ко мне в гости приехал поснимать. Ага. Он же третий раз. Уже третий раз? Да, в России. В Воронеже, да. Или в России? У меня лично. Второй раз. А, у вас? Ну, считай, он еще приезжал там, поэтому третий раз. В общем, он блогер-путешественник. Понятно, по всему миру. Это здорово. Да. Спасибо. Пойдем, пойдем, посмотрим, с какой целью. Ну вот, видишь, там они... Ага, кябаты. Ага, А дом в каком году был построен? Вот этот дом? Да, да. Невозможно сейчас определить, в каком. Его определили под снос. А мы немножко воюем. Не уходим отсюда. Отлично, ну, считаем, что неправильно с нами поступили. Ну, конечно, да. Здесь находится... Дореволюционный, скажи. Ну, вообще до революции. Да, я вам объяснил, что это старый дореволюционный дом. Мы батарауки, ये जो मकान है, पता है, इसके दिन अभी गिने हुए है। अब ये लोग इसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि ये मकान कुछ दिनों में गिराया जाएगा। अच्छा, ये ऐतिहासिक धरोहर है, फिर भी यहाँ इसको कोई भी महत्व नहीं देता, क्योंकि इसके बदले इतने लंबे लंबे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान बनाने चाहते हैं। हाँ, अच्छा, ये तो अच्छा। बनाना चाहते हैं ये लोग, अभी इसी को सुरक्षित करते हैं। अच्छा, समझे आप, पुरानी जो धरोहर है उसको बचाने की कोशिश बचाने की कोशिश करते हैं, लड़ाई करते हैं इसके लिए। ठीक, вот это вот все, это я делаю сам руками. ये जो चीजें तुम यहाँ देख सकते हैं, वो अपने हाथ से क्या है बनाता है, ये उसका शौक है, उसका पेशा है। अच्छा, तो यहाँ अलग अलग किस्म की क्या है मूर्तियां भी बनी है छोटे से, तो ये बस लकड़ी की मूर्तियां है। ये सारी लकड़ी की बनाई हुई है? это липа. अच्छा, дерево липа. ये जो हिमालय में नहीं यहाँ है, ये एक प्रकार का जो पेड़ है। हाँ, बहुत हल्का है। раньше сотрудничали с Германией, но как началась война, у нас все прекратилось. अच्छा, जो उससे पहले ये लोग, ये अपना जो माल है, अपने सामान है, ये सब जर्मनी भेजा करते थे। ओ, अच्छा। प्रशासित करते थे, समझे? तो इनका समझौता जर्मनी से बनाया था, अब तो ये सब तो खत्म हुआ। अच्छा, अब ये सब У меня юридическое лицо, то есть общество слепых. अच्छा, कि भारत ऐसी मूर्तियां भेजी जाए। अच्छा, हाँ, क्योंकि ऐसा है कि आप तो जो पश्चिम बाजार है वो अभी बंद हुआ। बिल्कुल,
तो और ये क्या है, ये एक इसे क्या कहते हैं कि ये एक कंपनी है, वो एक कंपनी की तरफ से जी समझौता बनाने को तैयार है। अच्छा, यानी कि भारत ये अपना जो ये सामान है ये भारत में भेजना चाहते हैं, हाँ बेचना चाहते हैं। जी बिल्कुल गुड, ये तो अच्छा हो सकता है, एक अच्छी चीज हो सकती है भारत के लिए भी। Да, деньги ты через это такое то что там и с деревом работают, с камнем работают, со всеми Да, материалами. пускай по химии посмотрит поближе там. Не, он может потрогать, а что тут То такого есть сложного? коллекцию देख सकते हाँ हैं, छू सकते हैं, ठीक है। सूंघ सकते हैं, ये सब जो मुझे है। Это не ваша богиня? ये क्या आपकी है, क्या देवी है? हाँ, ये एक देवी की मूर्ति लग रही है। हाँ देवी की हाँ, मूर्ति देवी लग की रही है। मूर्ति लग रही है। हाँ इनको इनको कहिए कि भारत में जो देवी देवता हैं हाँ उनकी बहुत मान्यता है। अगर आप देवी देवताओं की लकड़ियों की मूर्तियां बनाएंगे भारत में, वो कई मिलियन में बिकेंगी। आप जानते हैं इस बात को, जी 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 चाइना से हमारी मूर्तियां बन के जी आती जी जी है। जी जी तो आप इनको बताइए कि भारत कितना बड़ा बाजार हो सकता है। हाँ इनके मुझे अग्रिम बाजार для России, потому что сейчас даже в Китае делаются скульптуры индийских божеств всевозможных, и Индия на этом зарабатывает, хорошие деньги. छोटी छोटी ये लकड़ियों के बता टुकड़ों दीजिए पे अलग अलग तरह के डिजाइन बनाते हैं, जैसा कि आप चाहें। आज इनसे मिलने का मौका मिला तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गैना भाई इन सब लोगों को जानते हैं, जैसे कि मूर्तिकार हो गया, ये इस तरह से जो चित्रकार हैं अलग अलग तरह की नक्काशियाँ करते हैं। ऐसी जगह पे आना, इन लोगों से मिलना सच में हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर ये सब लोग मेरे साथ नहीं होते, इलिया भाई गैना भाई नहीं होते, तो शायद मैं इन लोगों से नहीं मिल पाता और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें नहीं देख पाता। आप वो चीज़ देख रहे हैं जो शायद ही किसी YouTube चैनल पे आपको ये देखने को मिले, और ये चाहते हैं कि भारत में भी ये अपना इस तरह का प्रोडक्ट भेजें। तो मैंने इनको एक आइडिया दिया है बिजनेस का, तो जिससे इनको भी फायदा हो सकता है और भारत में भी बिजनेस जो है इनका ग्रो हो सकता है। ये जो अपनी कंपनी है ना, तो इसके साथ समझौता आसानी से बनाया जा सकता है बहुत बढ़िया, भारत की तरफ से। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये तो नाश है बाबू येगा, ये जो बाबा येगा है जो रूप से है, और ये बाबा येगा का ये क्या इसका जो घर है, अच्छा बाबा येगा का घर है, वाओ और जबरदस्त। यहाँ क्या है देखो, मशरूम कितने हैं, मशरूम के नमूने कितने А हैं, это вот знаки зодиака. Вот और эти ये вот, राशि है, эти вещи стоят, они राशि पर अलग अलग राशिफल, हाँ अलग अलग राशिफल है, полуфабрикат. हाँ заказывают, а я потом вот здесь вот вырезаю, вот допустим, вот это вот, вот знаки наши там старорусские, вот допустим, ये भी चिन्ह है, медведь, ये क्या है प्रतीक है, प्रतीक, हाँ ये भी हाँ प्रतीक है भालू, हाँ, ठीक, जबरदस्त। это Святогор. ये तो श्वेतागौर है, क्या बात एक है, एक प्राचीन देवता है। हाँ अच्छा, प्राचीन देवता। हाँ प्राचीन, अच्छा यहाँ पे भी देवताओं की मूर्तियाँ, प्राचीन देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती है। बहुत कम, बस अच्छा। क्योंकि इनमें कोई विश्वास नहीं है। यहूदी, यहूदी गण, देखो यहाँ यहूदियों की कितनी मूर्तियां हैं। अच्छा एक चीज इनसे पूछिएगा कि मैं हर चीज पे ये मशरूम देख रहा हूँ, हाँ इसका कोई खास कारण? А какая причина? Скажет, тут у вас всякие эти грибы, именно грибы. Это грибы. Это грибы. Да. Ну, по-русски я так сам собираю грибы, в лесу бываю. И подарки у меня берут грибники. То есть они когда уходят по грибы в лес, они, ну, там, шляпку гладят, чтобы больше грибов набрать. अच्छा ये कौन है जो मूर्ति पूजक है ना, जो हाँ मूर्ति पूजक है या ये जो तोड़ने वाले है ना, हाँ ऐसे हाँ बहुत सारे लोग जो जंगल जाते हैं मशरूम तोड़ने ना, हाँ तो ये इनके लिए ऐसी मूर्तियां बनती है हाँ अच्छा, कि ये बस उनका ये क्या है अंधविश्वास है हाँ कि ये जो मूर्ति है इनकी क्या है रक्षा करेगी। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। А вот это вот, наверное, это китайское, да? Это китайский, да, чайник буддизм, да. Это китайское, буддизм. Лафинг Будда. ये भारत में बहुत बिकता है, लाफिंग बुद्धा। ये भारत में Ну, погладь животик. इनको можно, можно, погладь. Чтобы इसका पेट चू सकते हैं।
क्या बात है। अच्छा इनको बताइए कि भारत में इसको बड़ा शुभ माना जाता, हर घर में ये मूर्ति पाई जाती है। да क्या बात है। ये आप देखेंगे कितनी जबरदस्त, ऊपर आपको लगेगा कि ये जो मशरूम की छत है ये असली मशरूम है, जबकि ये असली नहीं है, ये लकड़ी पे इसको उकेरा गया है और बड़ी बारीकी से इन्होंने काम किया इस पे, खुद ही अपने हाथ से ये काम करते हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई हुई है, क्या बात है। बहुत जबरदस्त, там же много нужно будет руками, тяжело делать. Это доработка потом. Конечно, да. आप देखिएगा कि हाथ में कितना जबरदस्त हुनर हो सकता है किसी के, इतनी जबरदस्त है कि थोड़ा सा ये देखने में लगेगा कि ये अलग हटके है या किसी प्लास्टिक की होगी, लेकिन ये पूरी लकड़ी पे इन्होंने बनाई हुई है। क्या हो रहा है, ये है दरअसल वो लकड़ी का टुकड़ा जिसपे ये कारीगरी करते हैं, और ये लकड़ी बड़ी कहते हैं कि पक्की होती है, और सबसे बड़ी बात है हल्की बहुत है, यानी कि जितने ये यहाँ पे मूर्तियाँ हैं वो वेट में बहुत ज़्यादा हल्की है, और लेकिन पक्की बहुत है, ये ना तो गल सकती है, ना तो ये लकड़ी ख़राब हो सकती है, ना इसको पानी ख़राब कर सकता, यानी कि एटमॉस्फेरिक किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन इसको ख़राब नहीं करेगी। ये स्पेशल लकड़ी है, रूस में पाई जाती है, तो स्पेशली इन्होंने इस तरह के छोटे छोटे गट्ठे जो है बनाए हुए हैं। अब ये अगला काम जो है इस लकड़ी पर करेंगे, और कुछ दिनों बाद वो एक छोटी सी मूर्ति का रूप ले लेगी, बहुत खूबसूरत मूर्ति का, बहुत बढ़िया। ये सोच रहा है कि ये तुम्हारे लिए दिया जाए, पदक, ये तोहफा है मेरे लिए, तोहफा है। हाँ। ओ, इनको बोलिए धन्यवाद, मेरी तरफ स्पसीबा पकार के दाम उछिया। ये देखिए एक बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने मुझे तोहफा दिया है आने के एवज में, सो बहुत बहुत धन्यवाद, इनको बोलिएगा मेरी तरफ से। А он на кого похож? На Илью? Ну-ка. А он кто? Саша какой, да? Кэре Илья ки тара дэкне. Похож? А, yes, yes, yes. Саша какой мера. Исилие, шайд, инона муже е дия е. Наверное, поэтому ему и дали, что на меня похож. Помнить долго будет. Давайте сделаем общую фотографию. ये इन्होंने बड़ा खूबसूरत गिफ्ट मुझे दिया है, एक ये कहते हैं कि ये मैं इसको भारत लेके जाऊँ अपने साथ में। बहुत खूबसूरत, ये सच में मेरी यादों में रहेगा, मतलब एक अलग सी चीज़ रूसी लोगों के साथ में शायद मुझे नहीं मिलती अगर ये सब लोग नहीं होते, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ। ये बता रहा है कि अगर भारत में ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिससे समझौता बनाया जाए, तो यहाँ से पता है हजारों की तादाद में ऐसी मूर्तियां तो भेजी जाएगी। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे भी हमें शख्स की जरूरत है जो हमारी मदद करे, क्योंकि ये आदमी पता है वो स्वयं सेवक है, ठीक है, वो पता है ये जो अंधे होते हैं वो इनके क्या है प्रतिनिधित्व करता है ना, तो ये उन लोगों ने बनाया हुआ जो शारीरिक वो ये बना, उसने बनाया है। अच्छा, उनके लिए ये पैसे देते हैं। हाँ, और ये बस ये जानना चाह रहा है कि कैसा लगा। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, वो ये मेरी जिंदगी का एक सबसे अच्छा दिन था, और अगर आप लोग सब नहीं होते तो शायद मैं ये चीज नहीं देख पाता। Он же никогда бы такого не увидел, если бы не вы. Если бы не вы, это вообще. Рад, что это самое. ये सच में बहुत जबरदस्त चीज थी मेरे लिए। Его называют сейчас животворящий. Да. Сможем ये देखो, ये जो साधारण सलीब नहीं है, वो एक काफी पुराना सलीब है जो यारोस्लाव प्रांत के एक दलदल में पाया गया था ना। अच्छा। पाई गई थी कुछ साल पहले, और वो 400 साल पुराना है।
400 साल पुराना है ये जो सदी 400 साल पुराना है और उसको बाद में एक लकड़ी की बने गिरजाघर में स्थापित किया गया था ना और बाद में आग लगी तो पूरा सा जो गिरजाघर था वो जल गया और ये जो सलीब है वो बस बच गया है। अच्छा हाँ तो ये होता है बहुत होता है और यही इसको कहते हैं चमत्कार 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 कहते हैं। और ये बस इसी घटना के नाम पर वो इस तरह के सलीब अपने हाथों से बनाता है वो करता है। अच्छा 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 क्या बात है ये है जी चमत्कारी क्या बोलते हैं उसको सलीब सलीब हाँ सलीब सलीब क्या बात है जबरदस्त चमत्कारी सलीब है बहुत जबरदस्त। ये लॉकेट भी बनाए हुए छोटे छोटे गले में पहनने के लिए और ये भी लकड़ी के बने हुए हैं बहुत छोटे छोटे। सबसे बड़ी बात है ये टूटते नहीं है। वाओ ये घर के रक्षक है। अच्छा ये घर के रक्षक है। पता है हमारे घर में ऐसे भी रहा करता था सच में ये इसे क्या कहते हैं छोटा सा शैतान है ना इस पर तो औपचारिक रूप से पाबंदी लगाई है या ना ये ना जो ऑर्थोडॉक्स धर्म ये सब विश्वास ये सब मन ये मनाता है फिर भी ये हमारे घर में बहुत चोरी करता था। अच्छा हाँ और बाद में ये चीज पता है पता ये चमत्कार है क्या कैसे होता था ये वापस आ जाती थी चाबी पैसे। अच्छा हाँ ऐसे भी हुआ करता था और रात में ये जो दमावोय है घर का रक्षक वो बहुत शोर मचाता है रात में। हाँ मुझे को याद है क्या बात है समझे ये मतलब जिसको बोलते हैं कि ये आत्मा। सिर्फ एक आत्मा से संबंधित है ये बस शैतान है शैतान ये सब छोटे से जो पीछे शैतान शैतान। ये आप देखेंगे इंपोर्ट के साथ में पेन रखने का होल्डर भी है और लकड़ी में उकेरा गया है और ये जो है यहाँ पे स्याही डाली जाएगी दो जगह और चाहे इसको ऊपर से बंद कर सकते हैं। ये लग गया ये ढक्कन क्या बात है एक और सो मूर्ति है। ओ ये बड़ी जबरदस्त चीज थी नहीं ये बड़ी जबरदस्त चीज थी मतलब आप देखिए लकड़ी के अंदर से चाकू बना हुआ है और उसके बाहर का म्यान भी लकड़ी म्यान भी है क्या जबरदस्त म्यान लकड़ी की है बहुत जबरदस्त जबरदस्त। ये देखिए खोखरी नेपालियों की खोखरी ये तो खोखरी नेपाल की क्या बात है जबरदस्त। Да, это тоже. Да, все что угодно можно. И наручки сделать, и подарочные, что. Здорово, здорово. Дарасал, अब इनको जो है बाय बाय कहने का मौका आ गया है। आज का जो दिन है यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त था इनके साथ में एक नई चीज़ देखने को मिली और सबसे अच्छी बात थी कि लास्ट में इन्होंने एक गिफ्ट दिया जो मैं हमेशा से याद रखूँगा और इनके साथ में फिर संपर्क में हम लोग रहेंगे इलिया भाई के माध्यम से। तो इलिया भाई और गैना भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो इनसे इन्होंने मिलाया तो इनको धन्यवाद करते हैं स्पसीबा। Ну что, okay. удачи вам. Вы долго еще будете здесь? Завтра уезжает. Завтра? Уже завтра уезжает, да. Да? Все тогда. Да, все, спасибо вам. Интересно. Вам попробуйте что-нибудь. Ну, я поговорю, как получится, потому что, ну, тоже, конечно, интересно. До свидания. Да. До свидания. Аккуратно. До свидания. Аккуратно не спеши. और सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि ये लोग जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं उन लोगों के लिए ये काम करते हैं और अपनी कमाई का जो बहुत बड़ा हिस्सा है उन लोगों को दान करते हैं।